नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विपिन वर्मा। बच्चों, आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तीसरे चैप्टर में एंट्री करने जा रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का पहला टाइटल भाषा यानी लैंग्वेज। पहले हम जानेंगे कि चैप्टर नंबर 3 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या हमें सीखना है। इसमें कई डिफरेंट टॉपिक दिए गए हैं लेकिन उनमें से हमें कुछ चुनिंदा टॉपिक ही स्टडी करने हैं, समझने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ कैरिकुलम, स्टेजेज ऑफ स्कूल एंड असेसमेंट के बारे में यहां बताया जाएगा कि कैरिकुलम के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, स्कूल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उन सब चीजों का, लर्निंग प्रोसेस का या पूरे सिस्टम का असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो जो चैप्टर नंबर 3 है ये हिंदी वाले एडिशन में पेज नंबर 40 से स्टार्ट होगा। इसमें कुछ टाइटल हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला टाइटल है 3.1, जिसका नाम भाषा है। सभी प्रकार की भाषाओं की पैडागॉजी, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अरबी, फारसी, सभी भाषाएं सब एक जैसी होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी। और सभी भाषाओं का जो शिक्षण शास्त्र होता है वो लगभग एक जैसा होता है। हाँ, पहली और दूसरी भाषा में थोड़ा अंतर आता है, उसके बारे में इस NCF में डिस्कस किया गया है। तो पहला टाइटल हम लोग पढ़ेंगे भाषा, जो 3.1 पर है। दूसरा है मैथमेटिक्स, जिसका टाइटल है 3.2। मैथमेटिक्स की पैडागॉजी, प्राइमरी लेवल पर 15 सवाल 30 होते हैं, 15 पैडागॉजी के, और 15 जूनियर स्तर पर भी 10 सवाल पैडागॉजी के होते हैं, 20 सवाल मैथमेटिक्स के होते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स में जो पैडागॉजी आती है वो इस चैप्टर से कवर होगी। इसके बाद 3.3 साइंस की पैडागॉजी, जो लोग जूनियर स्तर पर हैं उनके यहाँ साइंस के 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन साइंस की टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें जो लोग बच्चे हैं SST के, यानी सोशल स्टडी, 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन SST की पैडागॉजी से संबंधित होते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें कुछ टाइटल हैं उनको हम स्किप करेंगे, जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, काम शिक्षा, शांति की शिक्षा, ये 3 हम टॉपिक स्किप कर देंगे। फिर EBS की पैडागॉजी, जिसका टाइटल होगा आवास और सीखना, हैबिटेट एंड लर्निंग, ये पढ़ेंगे। 72 नंबर पेज पर जाएगी और इसके बाद हम लोग पेज नंबर 80 पर पहुंचेंगे इसी चैप्टर में, जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के प्रोसेस को डिफाइन करेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए, क्योंकि सारे असेसमेंट, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे या EBS पढ़ोगे, सबके असेसमेंट के प्रोसेस की, EBS की क्लास में असेसमेंट कैसे किया जाता है, लैंग्वेज की क्लास में असेसमेंट कैसे किया जाता है और बेसिकली असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है क्या, तो ये चैप्टर इसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा। इंट्रोडक्शन में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क सिफारिश करता है, यानी रिकमेंडेशन करता है कि पूरी दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, सारी दुनिया चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है, नयापन आ गया है, यानी मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, धीरे धीरे हम आधुनिक हो रहे हैं, प्रगति के दौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सारे चीजों में आए बदलाव के बावजूद हमारी जो कैरिकुलम के क्षेत्र हैं, यानी पाठचर्या योजना की जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत ट्रेडिशनल है। आप देखते होंगे कि पूरे भारत में, आप अपने बाबा से बात करो जो कक्षा 5 और 10 में सिलेबस पढ़ते थे, उसी का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप अभी आपको मिलेगा। सुधरा तो नहीं कहेंगे हम, क्यों, क्योंकि वो उससे भी खराब हो गया है। दुनिया कहां, चीजें क्या बदल गई हैं और हम वही ट्रेडिशनल कैरिकुलम पढ़ते हैं, वही उंगलियों पर रटने वाला गणित, याद करने वाले टेबल्स, मतलब कॉन्सेप्ट आज भी नहीं, हम रट्टिफिकेशन किताबी ज्ञान तक सीमित हैं। रिसर्च के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ हमारे यहाँ क्या कराया जाता है। अब आपने देखा होगा पूरे भारत का जो टीचिंग लर्निंग, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड में पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ गया है, लेकिन भारत में इन सब चीजों को कहां सीमित कर दिया। प्रोजेक्ट के नाम पर हम क्या करते हैं, बच्चे का प्रोजेक्ट है तो उसके मम्मी पापा यही लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट, और वो नहीं बनाते हैं तो अमीनाबाद से खरीद कर लाते हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, जहां 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 डेमोंस्ट्रेशन नहीं है, जहां पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है। तो हमें अपने कैरिकुलम में बदलनी पड़ेगी चीजें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कैरिकुलम को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की
जरूरतें बदलती जा रही हैं। अब जैसी जैसे जरूरतें बदलती जा रही हैं, वैसे वैसे हमें कैरिकुलम ला करके लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब बताइए, देखिए महामारी दुनिया में फैली हुई है, कोई आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, तो हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं जानता उसमें क्या सावधानियां रखनी है क्या नहीं। सब कुछ बदल रहा है, महामारी के क्षेत्र में क्या सावधानियां, हमें खुद अवेयर होना चाहिए, हमें पढ़ाया जाना चाहिए आग लग जाने पर, चक्रवात आने पर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये सिर्फ एक किताब का, एक सिलेबस का हिस्सा बनकर रह गया है, इसकी कोई समझ बच्चे में विकसित नहीं हो पाती है। इन्होंने ये भी बताया इंट्रोडक्शन में कि पाठ सहगामी क्रियाओं को सिर्फ कैरिकुलम का भाग न माना जाए, इसको बाकायदा को कैरिकुलर एक्टिविटी के तरह इंपॉर्टेंस दिया जाए। केवल फॉर्मेलिटी न की जाए कि आप शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ पार्ट ना हो, इसमें कुछ सिखाया जाए, ऐसा इंट्रोडक्शन में बताया गया है। इसमें और कई बातें की गई, इसमें कहा गया है कि अभिगम के नए क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, इंसान की जो बुनियादी महत्व की चीजें हैं उन पर फोकस किया जाए, उसको सिर्फ इकोनॉमिकली मैच्योर होने वाला माइंड ना तैयार किया जाए, उसको ऐसी एजुकेशन दी जाए उसके अंदर ह्यूमनिटी आए, उसके अंदर नेचर को प्रोटेक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ वो बढ़े, ऐसी कुछ सीख दी जाए। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक है 3.1 पेज नंबर 41 यानी 41 नंबर पेज पर है। 3.1 टाइटल है भाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन से ही सवाल आते हैं। पहली लाइन लिखी है, इस दस्तावेज यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में बहुभाषिकता और द्विभाषिकता को महत्व दिया है, मतलब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरे दस्तावेज का जो बेसिस है वो पूरा बहुभाषिकता पर आधारित है। जब हम, यहां से लिखा गया है लाइन, जब हम घर की भाषाओं और मातृभाषाओं की बात करते हैं, क्यों की जा रही है मातृभाषाओं की बात, क्योंकि भारत में कहा गया है ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र क्यों होना चाहिए, उसमें क्या होता है, आपको हम थोड़ा बता दे। त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है कि एक भाषा क्षेत्रीय होती है, क्षेत्रीय भाषा वो भाषा होती है जो हमारे परिवार पड़ोस कुनबे फैमिली या मम्मी से बात जिसमें बात करते हो वो तुम्हारी भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। तो एक मातृभाषा हो गई, वो तुम घर से सीख के आते हो, माँ के पेट से सीख के आते हो, जन्मजात क्षमता होती है। दूसरी भाषा आपकी राजभाषा, राजभाषा जो दूसरी भाषा है जिसको भारत में प्रथम लैंग्वेज माना जाता है, स्कूल में उसको महत्व दिया जाना चाहिए, यानी स्कूली शिक्षा मातृभाषा या राजभाषा से बाहर नहीं जानी चाहिए। और यहाँ इसके बाद ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले में एक तीसरी लैंग्वेज होती है जिसको हम ग्लोबल लैंग्वेज या वैश्विक भाषा के नाम से जानते हैं, जिसमें शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषाओं को महत्व दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर पहली लाइन लिखी गई है, जब हम घर की भाषाओं की बात करते हैं तो उसमें मातृभाषा के अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, पास पड़ोस की भाषा आ जाती है। अगली लाइन है, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से, यहां ये नहीं लिखा गया कि उसको रट्टा मारना पड़ता है कोचिंग पढ़ने, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। देखिए यहां ग्रहण वर्ड लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसको एक्वायर लर्निंग जो है, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस है, थोड़ा हम आराम से पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम चीजें आपको बता पाए। इम्पॉर्टेंट है, देखिए भाषा का कभी अधिगम नहीं होता, मतलब सीखी नहीं जाती है भाषा, तो फिर क्या होता है, भाषा अर्जित की जाती है। अर्जन कैसे होता है, स्वाभाविक। अगर आप कहीं बैठे हैं समाज में, कैसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे पहली बार रेस्टोरेंट में आप गए तो आप पहले खाना नहीं शुरू करते, क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहां, फॉर्क है, स्पून है, कटर है, कई सारी चीजें हैं, हो सकता आप यूज ना किए हो, तो आप क्या करते हो, इंतजार करते हो कि बड़े लोग जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे हम यूज करते चले जाएंगे। तो ये एक्विजिशन होता कैसे, तो इन्होंने कहा जब हम मातृभाषाओं की बात करते हैं तो उसमें घर की भाषाएं आ जाती हैं, और ये भाषाएं बच्चा स्वाभाविक रूप से, कोई कोचिंग ट्यूशन स्कूल की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद है, बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता। सवाल आएगा कि बच्चे में डैश डैश भाषा की क्षमता होती है, तो वहां ऑप्शन होगा जन्मजात क्षमता होती। बच्चे में भाषा की जन्मजात क्षमता क्यों होती है, हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रिंसिपल का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। चौमासकी को भाषा विकास का पिता कहा जाता है, और इन्होंने कहा था
कि बच्चे के अंदर LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिसके कारण वह जन्मजात भाषा की क्षमता लेकर पैदा होता है। तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ। हम रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन के अनुभवों से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे, मतलब हम रोज के अनुभव से, कोई एक्सपीरियंस करके कह रहा है कि हम ज्यादातर अनुभवों से जानते हैं कि रोजमर्रा में जो जो गतिविधियां होती हैं, जब बच्चे स्कूल आते हैं, या रोजमर्रा के अनुभव से हम जानते हैं, ज्यादातर बच्चे जब स्कूल आते हैं तो स्कूल की शिक्षा की शुरुआत में ही, शुरुआत से पहले, मतलब स्कूल आने से पहले ही कई भाषाओं की जटिलताओं और नियमों को ध्यान से पढ़िएगा। यहां से बहुत सवाल बनते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते हैं उससे पहले ही भाषाओं की जटिलताओं और नियमों को, यहां पर लिखा गया है, हम बता दे रहे हैं, आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा गया है, जब वो स्कूल आते हैं, इवन आने से पहले ही वो भाषा की ऊपर मतलब अच्छी समझ रखते हैं, मतलब भाषा की जटिलता और नियम। क्या है भाषा की जटिलता और नियम बताइए? व्याकरण है, उसके अलग अलग रूप हैं, उनकी फॉर्म है, उनकी स्पेलिंग है, उसमें उसके वर्ब्स हैं, उसके सब्जेक्ट हैं। अब बताइए, सिर्फ जब बच्चे स्कूल आते हैं उससे पहले ही भाषाओं की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करके आते हैं, और स्कूल में टीचर जब आता है पढ़ाने आता है तो क्या करता है कि बच्चों आज हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो अंग्रेजी में शुरुआत करता है टेंस से, राम चला गया होगा, राम चला जाएगा, मतलब खूब किसमें ING फॉर्म में पूरा नियम बना देता है। अब वो बच्चा नियम रटता रहता है बेचारा, जब वो घर में लौट कर जाता है और कहता है अब तो तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हो, घर में चाचा या बाबा दादा दादी पूछते कि तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हो, अब तो तुम्हें बहुत अंग्रेजी आती होगी। हाँ, तो वो बता देता है हाँ आती है। क्यों? क्योंकि वो खूब सारे नियम अंग्रेजी के, व्याकरण के रट्टा मरवाए जा रहे हैं स्कूल। क्यों मरवाए जा रहे हैं? क्योंकि टीचर को टीचिंग पेडागोजी का नॉलेज नहीं है कि भाषाएं कैसे सिखाई जाती हैं, इसीलिए वो नियम रटवा रहा है। अब यहाँ बात आती है कि अब वो बच्चा जो खूब फॉर्म रट करके आया है, क्रियाओं को रट के आया है, वर्ब्स को रट के आया है, अब वही दादाजी पूछते हैं चलो बताओ कि कढ़ाई में मसाला छुनछुनाता है। अब वो सोचता है कौन सा लगाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा टेस्ट, कि बोतल हिली हिलकर रह गई, लोटा लुढ़कते। तो ये क्या है, भाषाओं में कोई भाषा नियमबद्ध व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन बहुत सारे नियम नहीं चलते हैं, भाषा सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंटेन होती है। इसलिए ये बच्चे भाषाओं की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करके विद्यालय आते हैं। आपको पता है, छोटे बच्चे से, 2 या 3 साल का बच्चा, उससे कहो कि पानी देना, या कहना कि बॉटल उठा कर लाओ, तो वो सेंस से पूछ लेता है। अब इवन आपने देखा होगा, कई बार कहते हो कि घर में जैसे बच्चा कुछ शैतानी कर रहा होता है, तो आप कहते हो कि मैं अभी आके देख रहा हूं, अभी देखूंगी आके, या देखूंगा करके, तो क्या करता है बच्चा, भाग लेता है, सेंस समझ लेता है कि देखेंगे आकर के, क्या खड़ा थोड़ी होता कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, देखो आकर के, वो जान जाता है इनका टोन क्या है। भाषाएं क्या करती हैं, बच्चे को समझाने के लिए कोई भी भाषा क्या करती है, उसके सेंस को समझते हैं। इसलिए बच्चों को बोलने की आजादी और कंप्रहेंशन पर फोकस किया जाए, व्याकरणिक पार्ट वो खुद सीखेंगे। चामास्की का नियम है, द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर, यानी जिस भाषा व्यवस्था में बच्चे रहते हैं उसका ज्ञान वो, उसका व्याकरण वो खुद जनरेट करते हैं। हमें बहुत ज्यादा व्याकरण पर फोकस नहीं करना चाहिए। इसलिए अब आप देखो ना, बच्चा कभी नहीं स्कूल गया हो और वो जानता है कि पिताजी चले गए हैं, या चले जाएंगे, या चले जा रहे हैं। वो कभी कोई व्याकरण पढ़ने गया क्षेत्रीय भाषा की, लेकिन वो सही जगह प्रयोग करता। क्यों? क्योंकि जिस भाषा व्यवस्था में आप रहोगे उसका व्याकरण वो स्वयं। तो इसलिए भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करके वो स्कूल आते हैं, आपको ध्यान रहे। आगे लिखा है, बच्चों ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा से, की शुरुआत से पहले ही, मतलब भाषा की पूर्ण भाषिक क्षमता उनके अंदर आ जाती है। आगे लिखा है, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को बोलने और समझने की क्षमता होती। आप किसी बच्चे से कहो जो हिंदी भाषी बच्चा हो, और उससे कहो कि सेकंड फ्लोर पर जाओ, टेबल पर बुक रखी हुई है,
तो आपको क्या पता चलेगा। अब इसमें आपने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया, कई सारे शब्दों का प्रयोग किया, तो वो हिंदी भाषी बच्चा था, वो टेबल, सेकंड फ्लोर, बुक, ये सब कैसे समझ गया? यानी वो उसको कई सारी भाषाओं का घर से ही ज्ञान है। तो आप बच्चों को सिर्फ बेकार मत समझिए, उनके अंदर भाषाओं की बड़ी जटिल समझ होती है, इसलिए टीचर को समझना चाहिए, बशर्ते वातावरण निवेश समृद्ध संप्रेषण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से चीजों को अर्जित कर सकें। टीचर क्या करता है, सिंगल लैंग्वेज का प्रयोग करता है, जो भाषा बच्चों को आती नहीं उसी में वो बोलता है, तो कहाँ से उनके अंदर समझ विकसित होगी। हाँ, जो आती है वो बोलिए और उसके साथ जो नई भाषा है उसका प्रयोग करिए, वो जानते चले जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है, आगे लिखा है कि वे न केवल उन भाषाओं को सही सही बोल लेते हैं बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यहां तक कि देखिएगा, यहां तक कि भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे, अब भिन्न प्रतिभा जिनको बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाते, या कोई और प्रॉब्लम है, लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे जो बोल नहीं पाते वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो बच्चा बोल ना पाता वो क्या मजाक नहीं करता है, वो क्या कभी गुस्सा नहीं होता है, वो क्या कभी किसी को दबाव डालकर कोई बात नहीं कहता है, तो वो कहीं सीखने उखने कुछ नहीं गया, साइन लैंग्वेज और कुछ करने नहीं गया, उसने क्या किया, समझ विकसित कर ली समाज में, कब गुस्सा होना है तो कैसे इंडिकेटर एक्सप्रेशंस देने हैं, कोई मजाक करनी है तो। आपने देखा होगा बहुत सारे समाज में बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते और पूरी बात आपको बता देते हैं इशारे इशारे में। तो हर बच्चे के अंदर, चाहे जैसा बच्चा हो, सामान्य बच्चा हो, विशेष बच्चा हो, सबके अंदर अपनी भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। वो कई सारी भाषाओं को समाज के साथ अंतःक्रिया करते हुए बहुत अच्छी समझ बना लेते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। आगे लिखा है, भाषाएं एक प्रकार से स्मृति कोष का काम करती हैं, भाषाएं एज अ मेमोरी स्टोरेज होती हैं। अब आप देखिए, आप हिंदी में एक गाना याद करिए, एक अंग्रेजी में याद करिए, कौन गाना ज्यादा दिन तक याद रहेगा? आपने देखा होगा फ्रायड है, वाटसन है, या और कई सारे नाम हैं, इनको आप अपनी मेमोरी में ज्यादा दिन याद रखते हो क्या? सुरेश, रमेश, पूजा, सुनीता, इनके नाम ज्यादा दिन याद रखते हो, क्यों? क्योंकि भाषाएं स्मृति कोष, जो तुम्हारी अपनी भाषा है जिसमें तुम कंफर्ट फील करते हो, वो भाषा तुम्हारे लिए स्मृति का काम करती है, मेमोरी का काम करती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि स्मृति कोष का काम करती है, देखते हैं आगे क्या लिखा है, का भी काम करती। एक छोटी सी टेबल दी गई है, उस टेबल में बहुभाषिकता के बारे में बताया गया, हम पढ़ दें, यहां से सवाल आता है, बहरहाल 42 नंबर पेज पर इसको फिर रिपीट करेंगे, लेकिन टेबल को पहले डिफाइन कर दें, इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेस्टिक इन्वायरमेंट, बहुभाषिकता एक से अधिक भाषा, बहुभाषिकता जो बच्चे की अस्मिता वर्ड आया, इसको कहते हैं पहचान या आइडेंटिटी, जो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और जो भारत के भाषा परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है, उनका संसाधन के रूप में उपयोग कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए तथा लक्ष्य रूप में रखना चाहिए। रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य, मतलब ये कह रहे हैं कि कक्षा के अंदर बहुभाषी माहौल बनाया जाए। अभी 12 बार पेपर हुआ है और 12 बार ये सवाल आया है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुभाषिकता को शिक्षक डैश डैश समझें। ऑप्शन होता है जटिलता, दूसरा होता है कठिनाई, तीसरा होता है समस्या और चौथा होता है संसाधन। बहुभाषिकता को शिक्षक डैश डैश क्या समझें? संसाधन समझें। 42 नंबर पेज की पहली लाइन लिखी गई है और यहां भी टेबल में लिखा है कि बहुभाषिकता को कक्षा में लागू करना या टीचिंग के लिए प्रयोग करना रचनात्मक शिक्षक का एक गुण होना चाहिए। जो क्रिएटिव टीचर होते हैं वो मल्टी लैंग्वेस्टिक इन्वायरमेंट बनाते हैं क्लास में, और जो ट्रेडिशनल टीचर होते हैं, मतलब ऐसे डराने वाले, बनावटी वाले टीचर, वो क्या करते हैं, सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी या सिर्फ संस्कृत बोलते हैं, चाहे समझ आए चाहे ना। ये बड़ा मुश्किल होता है, जो हिंदी पट्टी के बच्चे, हिंदी भाषी बच्चे होते हैं और जब किसी ऐसे डिग्री कॉलेज में जाते हैं, इंटर कॉलेज में जाते हैं, जहां का टीचर सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलता है, तो वो काफी दिन तक नहीं समझ पाते टीचर पढ़ा रहा है कि क्या कह रहा है, बाद में वो डांटते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तो समझ पाता कि गुस्से में थे, इतनी देर से गालियां दे रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब तक बच्चे की कंफर्ट लैंग्वेज पर टीचर नहीं जाएगा तब तक उसको कुछ सिखा नहीं पाएगा। तो ये टेबल हमने जाना, आगे पढ़ते हैं।
जिसमें अपने सहवक्ताओं से विरासत में मिले संकेतों के साथ अपने जीवन काल में बनाए संकेत भी शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो लोग एक कमरे में रहते हैं तो बहुत सारी बातें बिना कहे आप हंस मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीजें आप क्या करते हैं, संकेतों में जान लेते। अब जैसे कोई लखनऊ आया, गांव में रहते हो, गांव में तो गांव में आप अपनी जनरल लैंग्वेज यूज करते हो, शहर आते हो और शहर में मूवी देखने जाते हो या फिर कहीं और कहीं जाते हो तो नए नए शब्द आ जाते हैं। जैसे आसम शब्द प्रयोग करते हो, भौकाल शब्द प्रयोग करते हो या और कई प्रकार के शब्द हैं, हमें इतना जल्दी याद नहीं आते। तो ये क्या है? अब कोई कहता है, अभी आता है आदमी और कहता है एकदम जहर जैसे लग रहे हो, तो जहर तो खतरनाक होता है। अब आप अंडरस्टैंडिंग है, सहवक्ताओं से मिले संकेत क्या है बताते हैं, जहर लगना मतलब बड़ा स्मार्ट लगना। कभी कभार कोई आदमी बहुत ड्रेसिंग सेंस में आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, वो कहता भाई कैसे लग रहे हैं, तो तुम कहते एकदम यार एकदम मतलब क्या कर दोगे, मार डालोगे या ऐसा कुछ कह देते हो, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, खतरनाक लग रहे हो। है? अब खतरनाक तो आतंकवादी लगता है, तो खतरनाक उस सेंस सहवक्ताओं से मिले संकेत क्या हुआ, इससे पता चला कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, खतरनाक लग रहे हो। तो ये शब्द क्या हैं जो हमें सहवक्ताओं से मिलते हैं? ये वे माध्यम भी हैं जिनमें अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है। पूरी की पूरी एजुकेशन साइकोलॉजी या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इसी पर बेस्ड है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो जाएं। तो जब बच्चों की भाषाओं में कुछ ज्ञान बांटा जाता है या दिया जाता है तो उस प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते। इसलिए इनका मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता पर, किसका, भाषाओं का, उसके विचार और उसकी अस्मिता पर बहुत ज्यादा गहरा संबंध बन जाता है या प्रभाव पड़ता है। अब यहां से एक सवाल आएगा कि एक बच्चे ने मैम से कहा, मैम मुझे चापाकल पर जाना है, तो एज ए टीचर आप क्या कहोगे कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तुमको स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा तुम्हें नल पर जाना है, तो एज ए टीचर क्या कहोगे, तुम्हें नल पर जाना है। क्यों नल पर जाना है? क्योंकि वो बच्चा पर्टिकुलर क्षेत्र से आया है, भोजपुरी भाषी बच्चा है और वो उसने कह दिया कि मुझे चापाकल पर जाना है, तो अगर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि भाषाओं का अस्मिता के साथ, आइडेंटिटी के साथ, चिंतन के साथ गहरा संबंध होता है, पर्सनैलिटी के साथ गहरा संबंध होता है, अगर उसका मजाक उड़ाया गया तो वो फिर क्या हो जाएगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और तब तक वो शब्द नहीं बोलेगा जब तक वो नए शब्द सीख नहीं लेगा। अगर मैम कह दे अच्छा तुम्हें नल पर जाना है, तो आगे से कभी चापाकल वहां प्रयोग नहीं करेगा, नल का प्रयोग करेगा। तो यहां पर वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा गया है, वास्तव में उसका अस्मिता के साथ इतना गहरा संबंध होता है कि बच्चे की मातृभाषाओं को नकारना या उनको मिटाने के प्रयास उसकी अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप की तरह लगते हैं। प्रभावी समझ और भाषाओं के उपयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। जब कोई बच्चे अपनी कंफर्ट भाषा में सीखेंगे तो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जोड़ पाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर कोई हिंदी वाला आदमी है, लखनऊ का मैं जैसे कहूँ कोई व्यक्ति है, उसको अगर अंग्रेजी में गालियाँ दी जाएँ तो उसको मतलब लगता भी नहीं है कि कोई गाली दे रहा है। कभी कभार तो उसको ये फील होता है कि गर्मी बढ़ रही है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो इसका बीपी बढ़ गया होगा, और हिंदी में जिसमें वो है उसमें पूरी गाली भी ना दो उसको, थोड़ा एक शब्द बोल दो, वो उत्ते में आग बबूला हो जाए, को मर्डर कर दे। तो ये इंटरेस्टिंग है, भाषाएं हमें क्या करती है, अपने आसपास से जोड़ती हैं, अपने आसपास की दुनिया से जोड़ती हैं। आपने देखा होगा जैसे आप कहीं चले जाओ, विदेश में चले जाओ, वहां आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए, वहां तो सब अंग्रेजी जैसे अमेरिका में बोलते हैं, हिंदी बोल, तो आप क्या करोगे, गले मिल जाओगे। अभी आप जाते होगे ना साउथ वगैरह में जाते होगे, किसी होटल पर खाना खाने गए और वहां कोई बिहार का आदमी मिल गया खाना बनाने वाला, और फिर उससे जो ट्यूनिंग होती है आपकी, मेल मिलाप होता है, वो कितना आपको सुंदर बन। तो भाषाएं क्या करती हैं, आपको आसपास की दुनिया से जोड़ती हैं। मतलब आप सॉरी वर्ड बोलिए और आप माफ कर दीजिए बोलिए, सॉरी आप दिन में 100 बार बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर, और माफ कर दीजिए, देखिए अंदर आपके दिल में, हार्ट में लगेगा कि भैया कुछ मतलब गंभीर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है, अगर हम भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण होगा कि बच्चे की, अंडरलाइन करिए, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने और याद रखें। यहां से बहुत सवाल बनते हैं, हम अगर स्कूल के अंदर
भाषा शिक्षण करना चाहते हैं तो हम बच्चे की क्या करें, सहज भाषा क्षमता पहचाने। अब सहज भाषा क्षमता क्या होगी, तुम्हारी घर की भाषा यानी मातृभाषा तुम्हारी सहज भाषाई क्षमता होगी, उसको पहचाने। और याद रखें भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती हैं और हमारे दिनों दिन व्यवहार में बदलती है। आपको पता है कोस कोस पर वाणी और चार कोस पर पानी, ये बदलता रहता है। तो इंटरेस्टिंग है भाषाएं जैसे जैसे परिवेश बदलता है बदलती चली जाती हैं। आगे लिखा है शिक्षा में भाषाओं के लिए आदर्श यही है कि उनका इसी संसाधन के आधार पर विकास हो और साक्षरता के विकास के लिए लिपियों में ब्रेल लिपि अकादमिक भाषा के रूप में विकसित हो और समृद्ध भी किया जाए। जिन बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता हो उनके लिए मानक संकेत भाषाएं अपनाई जाए। विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता की पहचान को उनका स्वयं और उनकी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास को बढ़ाएगा। हम लोगों ने जो इस पैराग्राफ में बताया वो बताया है कि जो बच्चे विशेष बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते उनके लिए स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज है या ब्रेल लैंग्वेजेज है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। प्लस भाषाओं के लिए आदर्श यही है कि उनका संसाधन के रूप में प्रयोग किया, उसको समस्या या जटिलता या कठिनाई के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों आज हमने 3.1 टॉपिक डिस्कस किया, इसके आगे वाला वीडियो आएगा 3.11 भाषा शिक्षा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन आप पेशेंस के साथ धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके जो लैंग्वेज पेडागॉजी के 40 सवाल आते हैं, 20 हिंदी के 20 अंग्रेजी या संस्कृत के 30 सवाल होते हैं, उसमें से 20 आपके करीब 15 से 20 पैडागॉजी आती है, 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के होते हैं। तो 40 क्वेश्चन का सवाल है, सेंट्रल टीटी 150 का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन पैडागॉजी हिंदी आपको दिला देगी। और मैं ये वादा करता हूं अगर प्रॉपर वे में आप एनसीएफ पढ़कर बैठते हो और हमारा वीडियो देखते हो और फिर से आप एनसीएफ पढ़ते हो और कोई क्वेश्चन एक दो कर लेते हो, हम करवाएंगे बहरहाल क्वेश्चन एक दो कर लेते हो, तो ये चैलेंज के साथ गारंटीड हम कहते हैं कि लैंग्वेज पैडागॉजी हिंदी में आपको 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं अगर पैराग्राफ आप थोड़ा संभाल लेते हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का वीडियो, देखना है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट वाला प्रोसेस आप जारी रखिए। जिन लोग नए लोग हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।